चंदा मेरी बहना। चाहते नहीं है भैया, चाहते आते या आप तो ऐसा मत कीजिए। कुछ दिनों की तो बात है, आप हंसते हुए जाइए और हमारे लिए खूब सारे गिफ्ट्स लेके आई। बच्चे जहाँ होंगे खुश होंगे। चंदा के साथ राजन है ना, और गोपाल के साथ राधा। ना जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। मेरी चंदा वहाँ हम सबको याद करके जरूर उदास होगी। क्या बात है, मेरी चंदा के चेहरे पर उदासी। चंदा तुम हमेशा हंसते हुए अच्छे लगते हो। चलो अब जल्दी से उस उदासी को छोड़ो। क्या करूं, कभी कभी दिल को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के लोगों को याद करके मन तड़प उठता है। ठीक है ठीक है, मैं अपनी चंदा को इतना प्यार दूंगा कि वो सारी दुनिया को भूलकर बस उसे ही याद रखेगी। चंदा तो वैसे भी सब कुछ भूलकर अपने राजन के साथ है। सच चंदा, हमने इन पलों के लिए कितना इंतजार किया है ना राजन। आज अगर हम एक साथ हैं तो गोपाल भैया के कारण। हमें मिलाने के लिए गोपाल भैया ने क्या नहीं किया। भगवान सबको ऐसा भाई ताकि उन बहनों को भी अपना प्यार नसीब हो सके। अरे जितना प्यार तुम अपनी बहन चंदा से करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपनी बहन अंजलि से करता था। राजन तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। तुम अपने परिवार, गांव, अरे शहर को छोड़कर इतनी दूर चले जाओगे जहां पर जहां के लोग तो क्या यहां के परिंदे भी ना पहुंच सके। अंजलि के खोने का दर्द जो मैंने और मेरे परिवार ने महसूस किया है, उन्हीं रिश्तों के खोने का दर्द अब तुम जिंदगी भर जीकर महसूस करोगे। आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। अच्छा अब हम सही छुपाएंगे। चंदा कल होली है और मैं ये सोच रहा था कि कल मैं अपनी चंदा को रंग में सराबोर कर दूंगा। अच्छा चंदा कल हमारे जीवन की पहली होली है और हम इसे साथ साथ खेलेंगे। सच कहूं तो मैं बस सोच सोच कर एक्साइटेड हुआ जा रहा हूं। जनाब अभी पूरी रात बाकी है, कल सवेरा होगा फिर होली होगी। आप अपनी एक्साइटमेंट पर काबू रखिए, नहीं तो पूरी रात सपने में भी होली ही खेलेंगे। धीरे धीरे भी आदत नहीं है ना, धीरे धीरे पड़ जाएगी। अच्छा ये बताओ कल मेरी चंदा को होली पर कौन सा तोहफा चाहिए? कुछ नहीं। कुछ तो बस होली का रंग हमारे प्यार के रंग में मिल जाए और हमारा प्यार और भी गाढ़ा हो जाए, बस यही तोहफा हम भगवान से हमारे लिए मांगते हैं। अरे वाह, अब तो आपने जिस तोहफे की डिमांड कर दी उसके आगे तो हम कुछ। चलो अब जल्दी से सो जाते हैं, कल होली भी तो खेलनी है ना। Hey.
लागत है आज होली में सब सुबह सुबह ही भंग चढ़ा लिए हैं। हमका देख के हंस रहे हैं का भाई? आज होली के दिन सुबह सुबह ही? हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम भी बोलो। छोड़ो प्यारे लाल, इनकी तो आदत है बातन बातन पर हंसने की। तुम हमारे लिए एक ज्यादा चीनी वाली अच्छी सी चाह पिलाई दो हमको। हाँ का सब पकड़ाए गए का? ओ पैसा, अरे तो तुम्हार पैसा अम्मा आशीर्वाद दे। खुश रह। बात है यह होली के दिन कुछ अलग रिवाज हुई गवा है का? जिससे भी बात करो सब हंस पड़ता है। लागत है होली के दिन सब सुबह सुबह ही चाहिए देव हमें का। बात है सब हमका देख के हंसे पर ये प्रेम ना ही हंसा। इसका मतलब सब होली के रंग में सुबह सुबह रंग गए हैं। खैर हमका का लेके है, लेकिन ये दादी भी राम 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 राम। क्या बात है मामा, सुबह सुबह कितनी जमीन नाप के आ गए? मतलब मतलब ओहो मतलब कुछ नहीं मामा, मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह सुबह कहाँ से घूम के आ रहे हैं आप? सुबह से आपको खोज रहे हैं, मैं लगा पता नहीं मामा कहाँ चले गए। बस भांजे ऐसे ही सुबह सुबह वाक पर। मामा मॉर्निंग वॉक? हाँ हाँ वही। लेकिन भांजे एक बात बताओ, तुम हमका देखकर हंसे नहीं? क्यों मामा, हम आपको देख के क्यों हंसेंगे? मतलब आपके चेहरे पे क्या कॉमेडी चिपकी हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिए थे। और भांजे और बताओ, आज होली के दिन क्या प्रोग्राम है, कुछ स्पेशल? हाँ मामा स्पेशल तो है, पर सोच रहे हैं कि करें कि ना करें, क्योंकि भैया भाभी तो है नहीं और बाबूजी पता नहीं भड़क जाएं। ऐसा क्या प्रोग्राम बनाए हो, और सोच लिए तो कर डालो, डर किस बात का? अब मामा आपने हामी भर दिए तो डर नहीं है अब। लेकिन भांजे वो प्रोग्राम है क्या? कुछ नहीं मामा, अब की बार मोहल्ले के प्यारे प्यारे लड़कों ने सोचा है कि अब की बार वो बड़की वाली गढ़ी में। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या करने वाले हो? बस मामा आपको इस बार बड़े वाले तालाब में ले जाकर डालने वाले। मामा मामा कहाँ गए? ओफो, ये तो जीजा जी भी। दीदी Thank you.
क्या बात है, अब तो दीदी भी हंस रही है। ई का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे दरोगे, ई का हाल बना रखा है। कहीं सुबह सुबह तो दीदी आप भी देख के हंसे, पर ये प्रेम ना ही हंसा, इसका मतलब बोलिए मामा जी। ओके भैया, जरा मामा जी को भी तो लगाइए। अरे अरे नाना भांजे ना, अब तो पहले गुलाल दिखाओ, हम खुद ही चेक करेंगे, उसके बाद ही लगाएंगे। हाँ चंदा मेरी बहना, खुश हो गया। अरे खुश रहो, खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश 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 रहो बेटा। चंदा बच्चिया, इन होली के रंगों की तरह आपका जीवन भी खिलता रहे, रंगों से भरा रहे। भाई छोटी बहू, पहली होली है हमारे घर में आपकी, हाँ बहुत बहुत मुबारक हो। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे विजेंद्र दिखाई नहीं दे रहा। प्रिंस आप लोगों ने देखा है विजेंद्र को? बाबूजी वो बड़ा अजीब लग रहा है, अब की बार ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज होली है। चंदा तो विदा होके चली गई, गोपाल और राधा बहू भी नहीं है। हाँ माँ, अगर देवी दर्शन की बात नहीं होती, मैं गोपाल को कभी नहीं जाने देती। और फिर वो दो चार दिन के बाद भी तो जा सकता था, पर क्या करें, बच्चे बड़े जो हो गए हैं। और देखो जाने के बाद एक फोन भी नहीं कर सकता था। कमाल करती हैं आप चंदा की माँ। अब गोपाल बच्चा थोड़ी ना है। मुझे तो इस बात को बहुत दुख है कि होली के इस त्योहार में बच्चे हमारे साथ नहीं है, बहुत ज्यादा। पर कोई बात नहीं, अगली होली में पूरी कसर पूरी कर लेंगे हम, है ना? तो आपको क्या लगता है कि गोपाल वहां खुश होगा? देखिए वो अपनी बहन की खुशी के लिए वहां गया है ना? हाँ
ये बात तो है। सच बेटा, भगवान में आस्था और माँ बाप का सम्मान, हमारा गोपाल तो एक मिसाल है। हाँ दादी, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ माई ब्रदर इज माई हीरो। ओ, वैसे ये बात तू हिंदी में भी तो कह सकता था। हाँ, हिंदी हिंदी में बोलते हैं कि मेरा भाई मेरा नायक है। अभी बात समझ में आई माँ? वो बात तो ठीक है दादी, लेकिन बाबूजी कहेंगे कि उतना पढ़ाया लिखाया और अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, तो समझ रही दादी आप? अच्छा दादी, मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ बिग ब्रदर को, पर मुझे पता बड़े भैया पूछेंगे कि डियर प्रेम होली कैसी रही मेरे बिना, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो कैसा तू गुप्पी? ठीक है बाबू। ले जाओ अंदर जाकर गुलाल लेकर आ। जी बाबू। क्या बात है बेटा, बहुत उदास लग रहे हो। हाँ माँ, कहा है कि गोपाल भैया नहीं है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो ये त्योहार भी हमको रास नहीं आ रहा है। हाँ ये बात तो है, हम लोग भी अभी यही बात कर रहे थे कि गोपाल के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो त्योहार का दिन है, अरे खुश रहो। अभी सोचो गोपाल यहां होता तो आप सबको उदास देखकर खुद उदास हो जाता। अभी गोपाल की खुशी के लिए हमें खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? और वैसे भी त्योहार के दिन उदासी शोभा नहीं देती। हाँ लो होली मुबारक बेटा। आप तो भी बाबू जी, सुखी रहो सुखी। मैं जरा गांव के चौपाल तक जाके आता हूँ। जी बाबू जी। गोपी भैया, जरा मामा जी को भी तो लगाइए। अरे अरे नाना भांजे ना, आप तो पहले गुलाल दिखाओ। हम खुद ही चेक करेंगे, उसके बाद ही लगाएंगे। हाँ क्या बात है मामा, कोनो गड़बड़ की संभावना है का? संभावना? अरे इमा संभावना की कोनो गुंजाइश ना, ये जो प्रेम है ना, तुम ना जानो बचुआ ये काना की है साज। अरे भगवान, ना ना ना, याद ना दिलाओ बचुआ, बस याद ना दिलाओ। काहे डर रहे हैं मामा, यही गुलाल सबको लगा वही आपको लग रहा है। अरे भांजे, अब तो जहाँ जहाँ प्रेम वहाँ बड़ा फूक फूक कर कदम रखेंगे हम। हाँ अरे हम तो सोचे थे हमें ही सबसे ज्यादा चतुर हैं, लेकिन ये प्रेम तो हमसे भी 10 कदम आगे निकल गया। और भांजे अभी तो होली का पूरा दिन ही बाकी है, है? अब मामा अपने मुंह से अपन का तारीफ करें, हम तो बस अपना मामा के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं बस। सब जाना से हम, हमारे साथ में रह के आप काफी होशियार हो गई हैं, आप पकड़ी हो। चल बूटी के असर में ही सही, आपको हम होशियार तो लगे। चंदा मेरी बहना।
लगता है इन्हें किसी ने भांग पिला दिया है। क्या बात है जी? तो रंगेंगे ना। हे भगवान, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। तो भोले बाबा, अब ये बताइए कि ये बूटी आप कहां से लेकर आ रहे हैं? हा? एक बात बता, मानना पड़ेगा हमारे साथ में रह के आप काफी होशियार हो गई हैं, हैं? आप पकड़ी हो। चलो, बूटी के असर में ही सही, आपको हम होशियार तो लगे। क्या बात करती हो, वो तो तुम हमेशा से थी। अच्छा सुनो ना, ओ ये बात ना बाबूजी और अम्मा को ना पता चले, हाँ? समझी ना? अब इतने भी होशियार नहीं हैं हम कि ये बात छुपा सके। हम खुद नहीं पिए, हम सच कह रहे हैं। हमको ना हमको की सनवा पिला दी इसे। अभी जी सनवा का ना कचूमा नहीं निकाल दिया तो हम सुनंदा पति नहीं। हाँ माँ जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। सोचो ना, एक तरफ चंदा की विदाई, इतना सारा काम, भूल गया होगा बेचारा। पर बेटा, सोचने वाली बात तो है, गोपाल आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अरे ये हिचकी कहाँ आ रही है? देवर जी तो घर पे ही हैं, फिर कौन याद कर रहा है तुम्हें? याद करने वालों की कमी नहीं है दीदी, बहुत सारे लोग हैं। बाप रे, ये तो बहुत तेज लड़की है।